दोस्तों मुझे बहुत सारे दिनों से एक ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि तुम अंडा भुर्जी की रेसिपी दिखाओ। वैसे भुर्जी बनाना तो सभी को आता है, लेकिन वो स्ट्रीट वाली मसालेदार स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी भुर्जी नहीं बन पाती। तो चलिए चलते हैं स्टॉल पे और सीखते हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे भुर्जी हमारे सेम स्ट्रीट वाली बनेगी। उससे पहले हम देखते हैं उनका पता। दुकानाचं नाव रेणुका नाश्ता सेंटर, टी सेंटर। तो दोस्तों आप यहाँ पर कभी भी आए तो इनके स्टॉल को जरूर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा बनाते हैं ये। तो ये जो भुर्जी है वो दो अंडे की बनने वाली है, तो उसी के हिसाब से आपको मेजरमेंट दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक टमाटर कट करके लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई फ्लेम पे बनाया जाता है। तो यहाँ पर डाला गया है एक कटा हुआ टमाटर और दो मिर्चियाँ काट कर डाली है, अच्छी तरीके से भुननी है। जैसे ही ये भुनती है अब इसमें जाएगा फाइनली चॉप्ड प्याज, ये तीन प्याज को काट कर डाला गया है। आप देख सकते हैं कितना बारीक काटा है, तभी वो फ्लेवर आता है मुंबई स्टाइल में। मुंबई स्ट्रीट वाली सड़कों पर ऐसे ही खीमा वाला प्याज यूज़ किया जाता है, तभी जो स्ट्रक्चर है वैसे आ पाता है। अब इसमें जाएगा बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि अंडा पहले से ही सॉल्टी होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। तो इन्होंने कुछ तो ऐसा हरा मसाला डाला है, तो क्या है ये भैया? अच्छा, तो इसमें हरा धनिया, अदरक और लहसुन तीनों का पेस्ट करके इन्होंने डाला है। तीनों भी सेम क्वांटिटी में आपको लेने हैं और उसका पेस्ट इसमें डालना है। साथ में डाला है गरम मसाला, कोई सी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और साथ में इन्होंने डाला है हल्दी, बहुत कम डालनी है नहीं तो पीला सा कलर आ जाएगा ये भुर्जी में। अच्छी तरीके से देखिए सौते करना है, हाई फ्लेम पे दबी वो स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। कांदा देखिए एकदम पिंकिश सा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, डालने के बाद में अच्छी तरीके से एक बार और सौते कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे दो अंडे फोड़कर, देखिए बस। तो अभी दो मिनट में ये भुर्जी बनकर तैयार होने वाली है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कोल्हापुर साइड में इस तरीके के पाव के साथ में इसे सर्व किया जाता है। थोड़ा सा हल्का सा सेक कर इस भुर्जी के साथ में इसे दिया जाता है। तो ऐसी वाली भुर्जी आप एक बार जरूर बना के देखिए, थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रीट वाली, बहुत स्वाद आ जाएगा खाने में। और देखिए लगभग ये तैयार हो चुकी है, अब ये प्लेट में सर्व करके दे रहे हैं हमको, हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा। वाह, ऊपर से हरा धनिया, प्याज और टमाटर के साथ में ये गर्मा गर्म भुर्जी, खाने का मजा ही आने वाला है। तो ये रेसिपी कैसे लगे जरूर बताइए और जरूर ट्राई करके देखिए। तब तक बाय बाय।